सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाए इस बात की भविष्यवाणी तो राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। ताजा उदाहरण उत्तराखंड का है। महज 20 साल पहले बने इस राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई भी 5 साल तक कुर्सी नहीं संभाल सका। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, सादर अभिनंदन और अभिवादन। बोलो भगवान बद्री केदार की। सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाए इसकी भविष्यवाणी राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। ताजा उदाहरण उत्तराखंड का है। महज 20 साल पहले बने इस राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई भी 5 साल तक कुर्सी नहीं संभाल सका। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य का अकेला मुख्यमंत्री जिसने पूरे 5 साल संभाली कुर्सी। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में पहली बार कांग्रेस सरकार बनी और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। सबसे रोचक बात यही है कि राज्य के गठन से लेकर अब तक इतिहास में केवल नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिन्होंने 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक अपना कार्यभार संभाला। सबसे कम कार्यभार संभालने वाला मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में सबसे कम कार्यभार भगत सिंह कोश्यारी का रहा। विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले उत्तराखंड की सत्ता कोश्यारी को सौंप दी गई और लगभग 123 दिन का उनका ये सफर था। 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सबसे खराब मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा खराब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। जनता के सवाल पर त्रिवेंद्र रावत के जवाब हमेशा चर्चा में रहते थे। एक सर्वे के अनुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत को 0 वर्क सीएम के खिताब से भी नवाजा गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति लोगों में गुस्सा है जो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ही आनन फानन में पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फैसला लिया और वर्तमान में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।